अगर तुम लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि दो तीन मैच खेलो देन प्लस करा लो देन इसके बाद तीन चार मैच खेलकर फिर से माइनस करा लो। भाई मुंह की बात छील ली। मतलब कि जब तुम लोग रैंक पुश करते हो देन जितने प्लस नहीं होते उससे ज्यादा माइनस हो जाता है। और अगर तुम्हें हीरोइक जाने के लिए एक दो सप्ताह तो लग ही जाता है। तो टेंशन मत लो, इस वीडियो पर तुम्हें बस 5 दिन में हीरोइक जाने के गजब की निंजा टेक्निक बताऊंगा और साथ ही साथ ग्रैंड मास्टर प्लेयर्स इस तरह से पुश करते हैं जिससे वो बस 2 दिन पर हीरोइक पहुंच जाते हैं। ऐसे ही गजब के सीक्रेट ट्रिक्स को भी जानेंगे, तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर से करने। भाई ने बोला करने का तो करने का। सारे सीक्रेट ट्रिक्स को जानने से पहले कुछ एक्स्ट्रा सेटिंग्स एंड कैरेक्टर स्किल्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो अपने गेम के सेटिंग पर आने के बाद तुम्हें यहाँ पर डिस्प्ले वाले ऑप्शन पर जाना एंड इस जगह पर नीचे पर आने के बाद तुम्हें मिलता है गन शॉट अलर्ट। भाई सच बताऊं तो ये गन शॉट अलर्ट तुम्हें इतना ज्यादा हेल्प करेगा मैं क्या ही बताऊं। इसको अनेबल करने से जब तुम लोग गेम प्ले करोगे देन तुम्हारे माथे के ऊपर पर कुछ इस तरह से साइन आएगा, जिस भी साइड पर बंदे होंगे उसी साइड पर साइन आएगा। क्योंकि रैंक खेलते समय हमें उतना ज्यादा टाइम नहीं मिलता कि हम लोग मैप पर बार बार देखकर बंदे का पता लगाए। सही बात है। सेटिंग नंबर 2, जब भी तुम लोग रैंक खेल रहे होगे देन सिंपली तुम लोग अपने ग्राफिक्स को स्टैंडर्ड ग्राफिक्स पर ही खेलो, क्योंकि तुम लोग रैंक तो लगभग 2-3 घंटे खेलोगे और अल्ट्रा पर खेलने पर तुम्हारे आंखों में काफी ज्यादा दर्द भी होने लगे क्योंकि अल्ट्रा पर तुम्हारे आंखों पर काफी ज्यादा प्रेशर पड़ता है, इस पर शैडोज दिखाई देते हैं, इस पर काफी ज्यादा ब्राइटनेस भी होती है। एंड अगर स्मूथ पर खेलोगे तब तो तुम्हें दूर दूर की चीजें नजर नहीं आएगी। अच्छा है मैं अंधा हूँ। तुम लोग सोलो डुओ या फिर स्क्वाड खेलते हो तो तीनों पर तुम्हें अलग अलग कैरेक्टर स्किल्स की जरूरत हो। जब भी तुम लोग सोलो पर रैंक पुश करोगे देन हमेशा याद रखना या तो तुम लोग के कैरेक्टर का यूज करना या तो तुम लोग क्रोनो कैरेक्टर का यूज कर सकते हो, इस पर तुम्हें शील्ड मिले। और अगर क्रोनो कैरेक्टर नहीं है देन तुम लोग वुकोंग कैरेक्टर का भी यूज कर सकते हो। चुप कर बे कुत्ते। एंड 3 पैसिव स्किल्स में से सबसे पहला तुम्हें लगाना है मीसा कैरेक्टर की एबिलिटी, पर गाड़ी चलाने पर तुम्हें कोई भी बंदा एक भी डैमेज नहीं दे सकता। दूसरा तुम्हें वुल्फोरा कैरेक्टर का यूज करना, इस पर तुम्हें कोई भी बंदा अगर 200 का हेडशॉट मारेगा तो भी तुम लोग आउट नहीं होगा क्योंकि वो 200 वाला डैमेज तुम्हें 170 या फिर 160 का ही लगेगा। एंड नंबर 3 पे आता है मैक्सिम कैरेक्टर। ओके। लेकिन अगर तुम लोग डुओ पर रैंक पुश करोगे देन सिंपली एक बंदे को अपने स्काइलर कैरेक्टर को रखना है ताकि दूर से ही अपने एनिमी के लगाए गए ग्लूवल को वो तोड़ पाए। लेकिन दूसरे टीममेट को सिंपली तुम्हें क्या करना है, या तो क्रोनो या फिर वुकोंग या फिर के कैरेक्टर का यूज करना। एंड बाकी 3 कैरेक्टर स्किल्स में तुम्हें सिंपली उन्हीं सेम पैसिव स्किल्स को लगाना है जिसको तुम लोग सोलो मोड पर लगाओ। लेकिन अगर तुम लोग स्क्वाड पर रैंक पुश करते हो देन सिंपली समझो स्क्वाड के मेंबर्स को कुछ इस तरह से एबिलिटी को लगाना, मतलब कि एक को एक्टिव स्किल्स में अपने स्काइलर कैरेक्टर का यूज करना है तो दूसरे को वुकोंग कैरेक्टर, तीसरे को क्रोनो कैरेक्टर का यूज करना है तो चौथे को के कैरेक्टर। इससे फायदा ये होगा कि जब तुम लोग चाहो उन सभी स्किल्स का यूज कर पाओगे जो कि तुम्हारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। मगर क्यों? सबसे स्पेशल कि अगर तुम लोग स्क्वाड पर रैंक पुश करोगे देन सारे के सारे बंदों को ओलिविया कैरेक्टर की एबिलिटी का यूज करना। इस कैरेक्टर का यूज करने से जब भी तुम लोग अपने टीममेट्स को रिवाइव दो तो रिवाइव होने पर तुम्हारे फ्रेंड पर पहले से ही काफी ज्यादा HP मिलेगा। अगर बात करें पैट की एबिलिटी की तो सिंपली अगर तुम लोग सोलो पर पुश करो तो बिना सोचे समझे तुम लोग फेल्को पैट का ही यूज करना। लेकिन अगर तुम लोग डुओ पर रैंक पुश करते हो देन एक को फेल्को पैट का यूज करना ताकि तुम लोग जल्दी से लैंड कर पाओ, लेकिन दूसरे टीममेट्स को सिंपली वेगर पैट का ही यूज करना। और अगर स्क्वाड पर खेलते हो देन सिंपली एक को फेल्को पैट का यूज करना एंड 2 टीममेट्स को मिस्टर वेगर पैट का यूज करना एंड बाकी बचा 1 टीममेट वो जो चाहे वो कर सकता है। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं। हमें सोलो डुओ या फिर स्क्वाड में से किस पर रैंक पुश करना चाहिए सिंपली समझो तो सोलो डुओ एंड स्क्वाड में से सबसे ज्यादा प्लस होता है सोलो मोड पर। और इसीलिए तुम लोग सोलो मोड पर पुश कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम, क्योंकि मान लो अगर तुम लोग सोलो पर पुश कर रहे हो तो तुम्हारा एनिमी अगर तुम्हें गलती से भी हेडशॉट्स मार देता है तुम्हारा माइनस लग जाए और तुम्हारे पास रिवाइव होने का एक भी चांस नहीं हो। और इसीलिए सबसे बेस्ट होता है डुओ क्योंकि इस पर तुम्हें रिवाइव होने का भी चांस मिलेगा साथ ही तुम्हारे प्लस भी ज्यादा होंगे। लेकिन हाँ, अगर तुम्हारे पास एक तगड़ा सा स्क्वाड यानी कि एक अच्छा सा स्क्वाड देन तुम लोग चाहो तो स्क्वाड पर भी पुश कर सकते हो, क्योंकि ज्यादातर यूट्यूबर्स एंड ग्रैंड मास्टर प्लेयर्स भी स्क्वाड पर ही पुश करते हैं। अगर बात करें बेस्ट लैंडिंग प्लेसेस की जहाँ पर तुम लोग उतरने पर काफी अच्छा सा लूट मिले और साथ ही वहाँ पर कम बंदे उतरते तो सोलो या फिर डुओ के लिए इन सभी मार्क किए गए जगह में से तुम लोग कहीं पर भी उतर सकते। यहाँ तुम्हें लूट भी मिल जाएगा एंड यहाँ पर बंदे भी कम उतरेंगे। लेकिन याद रखना अगर सोलो हो या फिर डुओ हो तभी, क्योंकि स्क्वाड खेलने पर तुम्हें काफी ज्यादा लूट की जरूरत होगी एंड इन सभी जगह पर उतना भी ज्यादा लूट नहीं मिलता। अच्छा। और इसीलिए अगर तुम लोग स्क्वाड पर खेल रहे हो देन इन सभी मार्क किए गए जगह में से कहीं पर भी उतर सकते। इन सारे जगहों में तुम्हें काफी अच्छा लूट मिलता है।
नेक्स्ट ट्रिक है, जब भी तुम लोग रन करते हो खाली मैदान पर या फिर कहीं भी, तो तुम्हें हमेशा जंप करते हुए रन करना, मतलब कि कुछ इस तरह से रन करना जैसा कि मैं कर रहा हूँ। हल्का सा रन करने के बाद फिर जंप करो, ऐसा करते रहना। इससे अगर तुम पर बंदे फायरिंग करेंगे देन तुम्हें हेडशॉट्स लगने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। नेक्स्ट ट्रिक है फॉलो योर जॉन, मतलब कि जब भी जॉन श्रिंक होने वाला होता है तो हल्का सा पहले तुम्हें निकल जाना, यानी कि सबसे पहले तुम्हें जॉन के अंदर जाके रहना। अगर तुम लोग जॉन पर पहले ही चले जाते हो देन बाद में जॉन आने वाले बंदे को तुम लोग इजीली डैमेज दे सकते हैं, किल भी कर सकते हैं। और इसलिए तुम्हें ध्यान देना कि तुम्हें जॉन श्रिंक होने से पहले तुम्हें जॉन पर चले जाना। नेक्स्ट ट्रिक है जब भी तुम लोग रैंक पुश कर रहे हो देन वहाँ पर वन टैप का ट्राई नहीं करना, मतलब कि ऐसा नहीं कि एक बुलेट मार रहे हो वन टैप मारने के चक्कर में फिर रुक जाते हो फिर से ट्राई करना, क्योंकि तुमने भी देखा होगा कि ई स्पोर्ट मैच पर या फिर किसी भी रैंक मोड पर कोई भी बंदा वन टैप नहीं करता बल्कि स्पैम का यूज करता, क्योंकि वहाँ पर हेडशॉट्स नहीं देखा जाता बल्कि ये देखा जाता है तुमने उस बंदे को मारा या फिर नहीं। सो बात करते हैं स्पेशल स्ट्रेटेजी की जिसका यूज करके तुम्हारा माइनस कभी भी नहीं हो, एंड इसी ट्रिक का यूज सारे ग्रैंड मास्टर प्लेयर्स भी करते हैं, तो इसको ध्यान से जरूर देख। नेक्स्ट वीडियो होगा कैसे हेडशॉट सेटिंग्स पर बस यूज करो एंड ओनली रेड नंबर्स मारो, तो उसको देखने के लिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सिंपली वैसे जगहों पर जंप करना जहाँ पर बंदे कम हो एंड तुम्हारे लूट भी ज्यादा मिले, देन उतरते ही तुम्हें बंदे को नहीं मारना, सबसे पहले तुम्हें अपनी जरूरत की सारी चीजों का लूट करना। अच्छी तरह से लूट करने के बाद सिंपली तुम्हें रस नहीं करना बल्कि एक जगह पर बैठकर थोड़ा सा सर्वाइव करना जब तक कि तुम्हारा फर्स्ट जोन श्रिंक नहीं हो जाता, क्योंकि फर्स्ट जोन श्रिंक होने के बाद तुम्हें काफी कम माइनस लगता है। फर्स्ट जोन के श्रिंक होने के बाद तुम्हें सर्वाइव नहीं करना देन इसके बाद तुम्हें करना है रस, लेकिन ऐसा नहीं कि तुम लोग सीधा बंदे पर रस कर दो एंड बंदे के मारने की कोशिश करो, साथ ही तुम्हें वैसे सिचुएशंस का वेट करना जिस पर तुम लोग आसानी से बंदे को मार पाओ।